जी आपने क्या सवाल किया था? अच्छा, हमारी सोसाइटी में ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अच्छा, लेकिन ये तो बहुत पुराना मसला है ड्रग्स का। और पहले तो ये बताएं आप मुझे कि किस चीज़ की एडिक्शन नहीं है आपके माशरे में, और किन किन चीज़ों की एडिक्शन में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। चाय की एडिक्शन है, कोल्ड ड्रिंक की एडिक्शन है, सिगरेट की एडिक्शन है, और अपना मोबाइल फ़ोन्स की एडिक्शन है, टीवी की एडिक्शन है, यानी हम इन चीज़ों से चिमटे हुए हैं। जैसे कोई मीठी चीज़ होती है उससे चूटियाँ और मक्खियाँ चिमटी होती हैं, इस तरह से हम लोग इन चीज़ों से चिमटे हुए, हम इनसे निजात ही नहीं पा रहे। जिस चीज़ को ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल करना था उसको हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना दिया। तो ड्रग्स एडिक्शन के ऊपर बताऊँ कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये होती है सिगरेट से होती है शुरुआत। अल्लाह ताला ने मुझे बड़े बड़े चर्सी शराबियों के साथ स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आदत ना लगी। मैं उनको देखता था ये सब कुछ करते हुए, मजाक में मुझे कहते थे, जाहिर है मैं मम्मी डैडी बच्चा था तो वो कहते थे जुनैद थोड़ी सी तो लेना ही हो, मैंने बोला नहीं यार ये मेरा ब्रांड नहीं है तो उस तरह से कह के उनको टरखाना पड़ता था। लेकिन आप यकीन नहीं करें, मैंने चर्स की गोलियाँ और ये सब चीज़ें ऑफिशियली मिल रही होती हैं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। और अब तो इतना बुरा बदतरीन हाल हो गया हमारे माशरे का कि रक्शे खड़े हुए होते हैं, इतने सारे गाड़ियाँ होती हैं, उसके पीछे छुप छुप के बैठे हुए लड़के सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे 10-10 साल के, 9-9 साल के, 7-8 साल के बच्चे जो हैं वो सिगरेट पी रहे हैं। क्या माँ बाप उनकी शर्ट सूंघ के नहीं पूछते कि बेटा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है इसकी, सिगरेट की और ये वो। और अब तो खुलेआम रोडों पे, फुटपाथ पे पीते हुए जा रहे होते हैं अपने घरों के सामने से, पता नहीं शायद घरों में भी पीते हों बैठ के। तो सिगरेट से शुरुआत होती है ड्रग्स की। ड्रग्स के ऊपर हमारे सामने हाल ही में जो संजय दत्त के ऊपर मूवी बनी बायोपिक संजू, वो हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। मूवी बहुत ही आला बनाई, मेरे फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार ईरानी, देखने का इत्तेफाक हुआ मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त। और उसमें मोटिवेशन है, दिखाया कि संजय दत्त जो है वो किस तरह से ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और फिर देन वो अपना अमेरिका जाते हैं, अपना प्रॉपर इलाज करवा के आते हैं। तो इसी तरह की जो बैड गैदरिंग उसमें दिखाया है ना, कि एक गलत दोस्त संजय दत्त को मिल जाता है जो उनको ड्रग्स की एडिक्शन में मुब्तला कर देता है, खुद ग्लूकोज खा रहा होता है, कितना सयाना होता है। और संजय दत्त को ओरिजिनल ड्रग्स, और जब डॉक्टर उनसे, अमेरिकन डॉक्टर जो है लिखवाता है कि किन किन ड्रग्स को तुमने इस्तेमाल किया, तो कोई ड्रग्स दुनिया की ऐसी नहीं बची होती जो संजय दत्त ने ना इस्तेमाल की होती। कहने से मुराद ये है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम जब हसन स्क्वायर और अपनी जितनी भी कराची की मेन शाहराहों में गुजरते हैं तो यार वो जानवरों से भी बदतर हमारे कुछ लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे हम वतन हैं, जो बेचारे कैसी सख्ती हुई लिहाफ ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए, वो ड्रग्स पी रहे होते हैं, वो चर्स पी रहे होते हैं। कभी किसी डॉक्टर ने, हमारे माशरे के अंदर कितने सारे डॉक्टर हैं, कितने हॉस्पिटल्स के मालिक हैं, कभी उन्होंने उनको पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल के उनका इलाज करने की कभी सोची, कभी ठानी नहीं? ऐसा कोई हमारे यहाँ मसीहा, अल्लाह करे कोई पैदा हो, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से मसीहा चले गए, बहुत सारे मसीहा हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। देखें ना कितने लोग हैं ड्रग एडिक्ट हैं। अब हमारी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां भी महफूज नहीं रहीं, आए दिन आप मीडिया पर देख लेते हैं कि अपना ड्रग्स की सप्लाई हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो इनकी काश्त है, आपकी काश्त हो रही है आपके शहरों में, सूबों में, इन चीज़ों पे वहाँ से कंट्रोल किया जाए। पर दूसरा ये कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की शर्ट सूंघे, उसमें बदबू आ रही, स्मेल आ रही है, नहीं आ रही, तो इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर देखना पड़ेगा। आपके बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, आप उनको इतने पैसे दे रहे हैं तो वो फ़र्ज़ करें 50 रुपये दे रहे हैं आप, तो 50 रुपये में से वो कितने पैसे दिन भर में कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अपने बच्चों के ऊपर नज़र होनी